हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये देखिए एंटी राइनम फ्लावर्स के बारे में बात करूंगी। एंटी राइनम मतलब जिसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, एंटी राइनम बोटैनिकल नेम है और डॉग फ्लावर कहा जाता है। इसे स्नैप ड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में भी बताया था कि डॉग फ्लावर इसको क्यों कहते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे ऐसे साइड से दबाएंगे, ऐसे देखिए ऐसे, तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई डॉग जो है वो बार्क कर रहा है ना, भौ भौ कर रहा है। और दूसरा, इसको स्नैप ड्रैगन फ्लावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसको, मैं फ्लावर को आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खुल रहा है तो इसके अंदर है इसके, ये देखिए स्टिग्मा, एंथर्स सब अंदर हैं इसके। तो पॉलिनेशन कैसे हो, आम जो फूल होते हैं उसके तो स्टिग्मा वगैरह ऊपर होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी पॉलिनेटर बैठता है, मक्खी बैठती है, तो उसकी टांगों में पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। लेकिन अब ये तो फ्लावर बंद है, देखिए ये ऐसे तो फ्लावर बंद है, इसके अंदर कैसे जाए कोई भी पॉलिनेटर। तो एक स्नैप ड्रैगन फ्लावर होती है, ड्रैगन फ्लावर, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बड़ी होती है, वो यहाँ पर बैठती है, वो मक्खी ऐसे यहाँ पे बैठती है, तो उसके बाहर से क्या होता है, ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे ऐसे खुल जाता है इसका मुंह। तो मुंह खुलने से पॉलन ग्रेन्स उसके टांगों पे लग जाते हैं, और वो दूसरे फ्लावर पे जब बैठती है तो वहाँ पर भी ऐसे फ्लावर जो है वो ओपन हो जाता है, तो ओपन होने से वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लग जाते हैं उसकी लेग से। तो इसलिए जो है वो पॉलन, इसका जो पॉलिनेशन है वो ड्रैगन फ्लाई करती है, और उसका बड़ी सी होती है, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम स्नैप ड्रैगन फ्लावर भी रखा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ रखें जब हम लगाएं। ये अच्छा थोड़ा सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक तरह से थोड़ा हार्डी प्लांट कह सकते हैं, इजीली ग्रो कर जाता है ये अगर हम इसे कंडीशंस सही दें। पहली चीज़ तो इसको धूप आप 6 से 8 घंटे की 6 7 घंटे की 5 की भी चल सकती है, अच्छी धूप दें। मेरा कहने का मतलब है, मैंने जहाँ ये बाउंड्री पे रखे हुए हैं, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जितना सन इनको मिल सकता है उतना मैक्सिमम इनको सन मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये अच्छे ग्रो करते हैं। फिर हम बात करें मिट्टी की, तो अगर हम इनको गमलों में लगा रहे हैं, मैंने इनको 9-9 इंच के गमलों में एक एक पौधे को लगाया है, तो गमलों में ऐसे लगाएं तो 9 इंच के पौधे में एक पौधे को आप लगाएं, और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो 6-7 इंच के डिस्टेंस पे इनको लगा दें पौधों को। और मिट्टी गमलों में जब हम लगा रहे हैं तो इनको वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं इनके लिए, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रिवर सैंड और 1.5 हिस्सा खाद दें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को खाद थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, तो ऐसे इसका पॉटिंग मिक्स बनाए, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वो मॉइस्चर को होल्ड भी करेगा और बहुत ज़्यादा उसमें सॉगी नहीं होगी मिट्टी, जिससे इसकी जड़ों को, क्योंकि जो विंटर सीजनल प्लांट्स हैं इनके जो जड़ें हैं वो छोटी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो गल जाती हैं जड़ें, तो इसलिए इनमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जब आपको हल्का सा ऊपर की लेयर, देखिए इस टाइम आपको मेरे इनकी लेयर ये ऊपर से, ये देखिए इतनी सी सूखी दिख रही है, ये देखिए आपको, और कितनी फ्री फ्लोइंग इसकी सॉइल है, ये देखिए। तो ये सॉइल, अब मैं इसको कल पानी डालूंगी, आज मैं शाम को 5 बजे इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो अब मैं इनको जो है वो कल डालूंगी पानी। तो एक बार थोड़ी सी मिट्टी सूख जाए तो पानी डालें, सॉगी मत करें, बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई भी नहीं होने दें मिट्टी, उससे आपके पौधे जो है वो फूल सूख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये नीचे के जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, ये देखिए ये फ्लावर्स नीचे के स्पेंट होते रहते हैं और ऊपर से जो है वो नए फ्लावर खिलते रहते हैं, तो जब सारे फ्लावर्स नीचे के जब फेड होते रहें तो उनको आप ऐसे हटाते जाएं, और फिर जब सारा ये स्टॉक इसमें, जैसे अब यहाँ ऊपर इन्फ्लोरेसेंस आना बंद हो जाए, तो यहाँ से इसको नीचे से सारे स्टॉक को काट दें यहाँ से, ताकि और फिर ब्रांचेस निकलेंगी और फिर नया इन्फ्लोरेसेंस, जैसे ये नया निकल रहा है तो ऐसे नया इन्फ्लोरेसेंस निकलना शुरू होगा, और नीचे से आप ऐसे जो है वो स्पेंट वालों को ऐसे हटाते रहें, उनके इस जहाँ जो सीड बनता है वो पोर्शन भी हटाते रहें, नहीं तो पूरा स्टॉक ही हटा दें एक बार, बार बार ऐसे गोल गोल हटाते रहेंगे तो वो टूटने का डर होता है, जब ये पूरा स्टॉक स्पेंट हो जाए तो इस स्टॉक को ही हम हटा देंगे। जैसे ये देखिए इसके ये नीचे के फ्लावर खिल रहे हैं अभी, और ऊपर देखिए ये, हाँ इससे नए निकल रहे हैं,
और जब ये पूरा खिल चुकेगा तो फिर मैं इसको यहाँ से काट दूंगी ताकि नया निकले। अच्छा फिर जब ये बहुत लंबे हो जाते हैं ना, दो वेराइटीज़ आती हैं इसकी, एक तो आती है ड्वार्फ वेराइटीज़ और एक टॉल आती हैं, ये टॉल वाली हैं, तो इनको थोड़ा सा स्टेकिंग करनी पड़ती है। देखिए मैंने ये भी स्टेक किया है, इसको भी अगर स्टेक नहीं करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये इसको मैंने स्टेक नहीं किया हुआ है, ये रोज पीछे गिर जाता है उधर, और मैं रोज इसको ऐसे अड़ा देती हूँ। अब मेरे को इसकी स्टेकिंग करनी पड़ेगी तभी ये सही रहेगा। अच्छा अगर आप छोटी पौध लगाते हैं ना इनिशियली लाके, तो उसको एक आधी बार उसकी जो ग्रोइंग पॉइंट को पिंच कर दीजिए। ग्रोइंग पॉइंट जो न्यू है उनको मैं बता दूँ, जैसे ये होता है इसको ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं, ये जो टिप होती है ये वाली, इसको ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। तो जब छोटा सा पौधा है आपका तो ऐसे एक दो बार ग्रोइंग पॉइंट को, अब मेरा तो बड़ा है, मैं यहाँ से इनफ्लोरेसेंस आएगा, मैं इसको पिंच नहीं कर रही हूँ, ऐसे एक दो बार शुरू शुरू में इतना इतना सा पौधा होता है ना, तो एक दो बार पिंच कर दें ग्रोइंग पॉइंट। उससे क्या होगा, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा इनमें इनफ्लोरेसेंस। ये देखिए ये भी पीछे की तरफ ऐसे गिर रहा है, तो इनको क्या होता है थोड़ी बड़ी जो वैरायटी होती है उसे थोड़ी सा स्टेकिंग सपोर्ट देना पड़ता है, नहीं तो फूलों के बाहर से वो एक तरफ गिरने लग जाती है। कलर्स देखिए इनके कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, और मुझे तो लगता है सबके कलर्स अलग हैं, कोई डार्क है, कोई लाइट है, किसी में कोई शेड है, बहुत अच्छे अच्छे वाइट कलर भी इनमें बहुत अच्छा आता है। मुझे जब मैं लाई थी तो उस टाइम इनमें फ्लावर्स नहीं आए हुए थे, इसलिए उस टाइम मुझे कलर नहीं पता था मैं कौन सा ला रही हूँ। अब जो आ गए हैं देखिए, मेरे पास येलो, मरून, पिंक के दो शेड हैं, और मरून के दो तीन हैं, ये थोड़ा सा लाइट वाइन कलर में लग रहा है। तो फिर चलिए फिर अभी हमें पानी की भी बात कर ली हमने, तो अब मैं बात करती हूँ पिंचिंग की भी बात कर ली आपसे मैंने, अब बात करती हूँ कि इनको खाद कैसे दें। तो देखिए जो फ्लावरिंग का मौसम है, इस टाइम फूल आ रहे हैं, तो इस टाइम आप अपने पौधों को, वैसे मैं 10 दिन में एक बार कहती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो आप 10 दिन में एक बार दीजिए, और अगर आप अच्छा केयर करते हैं अपने पौधों को तो आजकल जब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं तो आप वीकली इनको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र पे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, कंपोस्ट ट्री कैसे बनाना है वो देख लीजिए, कोई भी लिक्विड आप ऑर्गेनिक बना के दें, मैंने पूरा 4-5 वीडियोस हैं मेरी उसके ऊपर, इजी से इजी तरीका भी बताया हुआ है। तो आप ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसको दें, और अगर केमिकल देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच DAP और 1 चम्मच पोटाश को डिसॉल्व कर लीजिए, और वो 10 दिन में एक बार अपने पौधों को इनको दे दीजिए, तो फ्लावरिंग में हेल्प करता है वो, तो फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। और एक क्यारी वगैरह में आप लगाते हैं तो बड़ा अच्छा, बहुत कलरफुल आपके गार्डन को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मुझे ये। और ज़्यादा कुछ भी इनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना है, और देखिए खाद तो देनी पड़ेगी, आप खाद नहीं देंगे तो पौधे जो हैं वो इतनी सी मिट्टी के अंदर ही उगे हुए हैं, तो ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे। तो ज़मीन वालों को तो इतना नहीं भी ज़रूरत होती, स्पेशली जब हम गमलों में लगाते हैं तो पौधों को खाद हमको देते ही रहना पड़ेगा, और तभी ये अच्छी तरह से आपको फ्लावर भी करके देंगे और फूल भी देंगे। देखिए इन्हीं से मिलते जुलते ये स्टॉक, कल के वीडियो में मैंने रेनन्क्यूलस में ये स्टॉक दिखाए थे, तो किसी ने कमेंट किया है कि आपके अलग तरह के डॉग फ्लावर्स हैं, ये डॉग फ्लावर्स नहीं है, उन्हीं के जैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है इनका, ये स्टॉक के फ्लावर्स हैं। और मैं सोचती हूँ इस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को इसका भी बारे में बताऊँ, तो बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं ये जो है एंटीराइनम, बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और हर जगह छोटे से छोटे शहर में आपको एंटीराइनम मिल जाएंगे, और इनके बीज रख के आप उगा भी सकते हैं। हाँ एक और चीज़ है कि ये जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है ना, जैसे राजस्थान ही है, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और आपके पास छाया वाली जगह है अच्छी, मेरे को गर्मियों में छाया वाली जगह मुश्किल पड़ जाती है क्योंकि मैं छत पे करती हूँ तो छत पे धूप ज़्यादा आती है, तो अगर आपके पास छाया वाली जगह है, और बैकयार्ड मेरा जो है वो दक्षिण में पड़ जाता है, तो छाया वाली जगह अगर आपके पास है तो ये बच भी जाते हैं, एक्चुअली ये अगले साल तक भी चल जाते हैं अगर आप के यहाँ धूप से इसको आप बचा लें, तो वो भी आप कोशिश करके देख सकते हैं, ये बचा लें तो ये अगले साल के लिए भी चल जाएंगे आपके।
तो फ्रेंड्स ये मुझे आपको बताना था डॉग फ्लावर के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।